सिडको से जुड़ी तमाम सेवा सुविधाओं की मांग को लेकर एक बार फिर मुंबई के सीनियर लीडर दशरथ भगत और उनकी पत्नी वैजयंती भगत इस वक्त बेलापुर में एक दिवसीय आंदोलन पर बैठे हैं। क्या मांग है, क्या मुद्दा है, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मामला है जिसको लेकर आपने एक दिवसीय आंदोलन करने का फैसला? सर, हमारी जो सानपाड़ा सोनकार पामबीच रहवासियों की मांग है कि जो सिडको ने 40,000 स्क्वायर मीटर जगह बेची है, हमारा विरोध है। हमारा कहना है कि आप 20,000 बेचो, 20,000 लोगों के रखो। वो 20,000 स्क्वायर मीटर में आपको 1,000 करोड़ आएगा या 600 करोड़ आएगा, उसके अंदर से हमारे क्षेत्र के लिए आप 100 करोड़ रखो और 200-300 करोड़ आप नई मुंबई विकास के, बाकी आपको जिधर जाना लेके जाओ। एक दूसरी मांग, जो वासी रेलवे स्टेशन के यहाँ टिकट घर है वो चाहिए हमें। वहाँ गटर नहीं, फुटपाथ नहीं, रास्ते नहीं है, पार्किंग नहीं है, पुलिस चौकी नहीं है, ये सब होना चाहिए। सीसी कैमरा टीवी होना चाहिए, वहाँ टॉयलेट और स्नानगृह होना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। आप लगातार इस मांग को लेकर कब से प्रयास कर रहे हैं और सिडको की इस पर भूमिका किस तरह की? मैं यहाँ 2014 से मैं प्रयास कर रहा हूँ और अभी से चालू है प्रयास, लेकिन वहाँ सिडको क्यों नहीं कर रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। बीच में लॉकडाउन के बीच में उन्होंने, हम गए थे तो लॉकडाउन से पहले वो बोले टेंडर हम निकालेंगे, बोलते टेंडर हम देने वाले हैं, लेकिन लॉकडाउन लग गया तो टेंडर निकाला नहीं उसने। बाद में हमेशा हमने वहाँ उनसे मिलने के लिए प्रयास किया, लेकिन मिलती भी नहीं और बात भी नहीं करते नहीं। 8 साल का अगर पीरियड देखा है तो तमाम पत्र व्यवहार के बाद सिडको की जिम्मेदारी बनती थी कि इन नागरिक सेवा सुविधाओं से जुड़ी हुई समस्याओं का तत्काल समाधान हो। जो हमारी जो सिडको आज ध्यान नहीं दे रहे, हम समझ नहीं आ रहे कि जिस जगह पे हमें जो सुख सुविधा चाहिए, ज़्यादा से 5 करोड़ के ऊपर खर्चा होने वाला नहीं है, लेकिन आज 1100 करोड़ रुपये का उन्होंने बिजनेस किया है, 1100 करोड़ रुपये इकट्ठे किए, लेकिन हम उसको बोलेंगे कि आप 600 करोड़, 1200 करोड़ में 600 करोड़ आप हमारे लोगों के लिए, वो हमारे पैसा हमें दे दो ना। लेकिन उसका अभी ये लोग सेंसलेस हो गए, ये इनके दिमाग में एक साहूकारी हो चुका है। जो शहर अभी बसा है, अभी ये नई मुंबई पामबीच बसी है, तो हमारे कहने की आज आपसे नहीं होता है, आपकी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आपको नहीं करने, तो वो जगह वो भाग आप कॉरपोरेशन को ट्रांसफर कीजिए, हस्तांतरण कीजिए, हम कॉरपोरेशन से करवा के लेंगे। आपको दानत नहीं देने की ना, आपको करने के पैसे तो कमा रहे हैं आप 1000 करोड़ रुपए कमा रहे हो, कमाए वहाँ से कितना 1000 करोड़ रुपए है वहाँ से 2008 से लेके 2018 से लेके 2021 तक आप 1000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। 240 करोड़ ऑलरेडी जेब में पड़े हैं उनके, 240 करोड़, और उसके अंदर हम क्या मांग रहे हैं आपके, 5 करोड़ भी नहीं लगने वाला, क्यों नहीं दे रहा है, ये हमारी मांग है, क्यों नहीं दे रहा है ये? आपने कहा था कि आपने स्मरण पत्र भी दिया था सिडको को कि इन मुद्दों पर चर्चा की जाए, इनका समाधान किया जाए। कितनी बार सिडको एमडी और अधिकारी मिले और वहाँ पर कितनी बार उन्होंने विजिट किया, उसके समाधान को लेकर सिडको की तरफ से कौन सा प्रयास किया गया? देखो भाई साहब, सिडको एक ऐसी संस्था है, किसी को मिलने की इच्छा नहीं उनकी, इनको उन्होंने जो पैसा कमाया है वो पैसा काउंट करने के लिए समय नहीं उनके पास, वो पैसा ठिकाना लगाने के लिए उनके पास समय नहीं है, इन ये किसी को भी नहीं मिलते। आप कॉमन आदमी को पूछो, जो सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, जो सोसाइटी के लिए वहाँ सिडको में ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं, सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं, प्लॉट ट्रांसफ़र के लिए या उनका मकान ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं, उनको जाके पूछो कि सिडको का अधिकारी कौन मिलता है, एक भी मिलता नहीं। कोई कोर्ट में, कोई साइट विजिट, कोई मंत्रालय या कोई निर्मल भवन, यही उनका सिर्फ कारण होते हैं, मिलते नहीं है लोग। अब इसमें राज्य सरकार की भूमिका को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सिडको राज्य सरकार के अधीन है, नगर विकास मंत्री का अधीन है, मुख्यमंत्री का अधीन है। सरकार कौन सा भी हो, सरकार कौन सा भी हो, लेकिन सरकार सिडको के बारे में कुछ नहीं बोलती। ये सरकार का ये बिल्कुल लाडला बच्चा है, इतना लाडला बच्चा है, और ये एक अलीबाबा की गुफा है, जो अलीबाबा 40 चोर का जो पूरा सोना वो गुफा में रखा है, वो सरकार का, वो अलीबाबा 40 चोर की गुफा ही है।
इसीलिए सरकार इसके बारे में कभी नहीं बोलते, कभी नहीं, आज तक नहीं बोले। जो नाग जो लोग जो यहाँ जो जो शहर का निर्माण राज्य शासन ने किया है, सरकार कौन सा भी हो, मैं सरकार को बोल पक्ष की सरकार को नहीं बोल रहा, मैं सरकार कौन सा भी हो, इतना साल हो चुका है लेकिन सरकार इसका जितना लूटना है उतना लूटने का प्रयास करता है। ये जो सरकार का एक खजाना है, ये सरकार के जो लोग होते हैं उनका खजाना है, इसीलिए सरकार के माध्यम से कभी लोगों को बोला नहीं है कि सिडको के बारे में आपके सवाल क्या है। कौन सा भी मंत्री या मुख्यमंत्री या यूडी मिनिस्टर कभी यह ओपन डाले नहीं लिया कि ये सिडको के माध्यम से आप बहुत तकलीफ है, आप तस हो चुके हैं, आप बेजार हो चुके हैं, आपकी प्रॉब्लम्स आके मेरे को बोले ये हाँ मत है आपके पास। एक बार कभी आए क्या आप पत्रकार हो, एक बार नहीं आते नहीं इधर। हम सिडको के नाम से चिल्लाते हैं, वो सुरक्षित है, सरकार सुरक्षित है। हम सिडको को गाली देके जाते हैं लेकिन सिडको चलाते कौन, सरकार चलाती है सिडको, इसका मतलब सरकार सुरक्षित है, वो सरकार की पार्टी सुरक्षित है। हम सिडको को गाली देके जाते हैं क्योंकि सरकार जो एमडी है, जेएमडी बोलते हैं, हमारा क्या है, सरकार का आदेश है। इसीलिए यहाँ किसी भी कौन सा भी सरकार आने दो, कौन सा भी सरकार आने दो, यहाँ का सरकार ये जो नागरिक है, लोग है, ये शहर जो जिसने बसाया है उसके बारे में सरकार सेंसलेस है। कभी भी सरकार सिडको को नहीं पूछ रहे है कि लोग इतने ताही हो गए, त्राही त्राही हो चुके हैं लोग, सिडको के बारे में त्राही त्राही हो चुके हैं। सिडको के एमडी को बुलाइए, उसको बोलो लोगों की समझ आपकी हाल नहीं करते, लेकिन कभी बोलते भी नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। आपको लगता है कि अगर लोक प्रतिनिधि यहाँ होते, चेयरमैन होते, संचालक होते तो शायद इन समस्याओं का जल्दी समाधान होता, लेकिन सिडको में लंबे समय से पूरी ब्यूरोक्रेसी चल रही है। सालों साल लोक प्रतिनिधि थे ना, कभी नहीं थे लोक प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि सालों साल थे, लेकिन वो लोक प्रतिनिधि भी पक्षी सरकार के गुलाम होते हैं, उनकी कुछ नहीं चलते, वो सिर्फ ये गुड़िया होती है, ये खिलौना होता है वो। इसीलिए यहाँ लोक प्रतिनिधि हो, वो वहाँ का अध्यक्ष हो, संचालक हो या कोई भी हो, ये सब खिलौना है, ये सब सरकार के खिलौने हैं। क्यों नहीं आखिर उसके समाधान के लिए प्रयत्न किया जा रहा है? नहीं, वो हमारा कहना है कि वो कोई भी आने दो, सरकार की इच्छा है कि ये सोने की चिड़िया है, उसको मरोड़ो तोड़ो और खा लो, बस कोई भी सरकार आने दो। अब आज एक दिन का आपने ये उपोषण रखा है, एक दिन का अनशन आपने रखा, अब क्या उम्मीद लग रही है कि संसद के बाद सिडको जागेगी और जो आप मांग कर रहे हैं उनका समाधान निकाले? नहीं, उनको वो राह देख रहा है कि ये लोग उग्र आंदोलन करे और उनको हम पिटे, क्योंकि उनको पिटना नहीं, पुलिस के माध्यम से पिटना है, हम उग्र आंदोलन करेंगे लेकिन हम उनको तकलीफ, हम खुद को तकलीफ देंगे, क्योंकि उनको तकलीफ देके क्या करेंगे, हम खुद को तकलीफ देंगे क्योंकि हम उसको तकलीफ देने के जाएंगे, या ये पुलिस के माध्यम से हम ही पिटेंगे, पुलिस को तकलीफ, पुलिस के ऊपर इंक्वायरी, पुलिस निलंबित हो गए, उनको क्यों तकलीफ, उनका काम नहीं है ना, उनका चोर को पकड़ने का काम है, शांति और सुरक्षा रखने का काम है, लोगों की सुरक्षा रखने का काम है, ये आंदोलन को पिटने का उनका काम नहीं है। तो इसीलिए हम भूमिका बदल रहे हैं, हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम खुद को करेंगे, जो कुछ करना है खुद को, भले खुद को शहीद होने की नौबत आए तभी हम भोग जाएंगे। जैसे आज आपने उनको थाली नाद करके उनको जगाने की कोशिश, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा आपका? जरूर, क्यों नहीं, बैठा है तो लोगों को डिमांड पूरी होने के लिए बैठा है, उनको शर्म लगनी चाहिए कि हमारा पैसा लेके, हमारा जमीन लेके हमें गटर पे बिठाया है, हमें गटर पे बिठाया है, हमें फुटपाथ पे बिठाया है, थोड़ी तो उनको इंसानियत बोलते है, मानवता, इंसान मानवता कुछ उसके अंदर सेंस बचा है क्या नहीं बचा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक शायर ने किसी ने लिखा है कि बड़ी उम्मीद थी कि मुंसिफ है वो जरूर सुनेगा, मैं फरियाद करता रहा मगर वो बहरा निकला। सिडको और सरकार इसी तरह की कंडीशन में है, ऐसा लगता है कि वो बहरे और अंधे गूंगे मुंसिफी की तरह बैठे हैं। आज जिस तरह से थाली नाद आंदोलन हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि सिडको सुनेगी और इसका समाधान भी निकालेगी। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।